दोस्तों मेरे एक फ्रेंड है जो कि बिजनेस पे ऐसे रन करता है जहाँ पे प्रोडक्ट वगैरह बेचता है, वहाँ पे सिर्फ 1.5 महीने में वो 70,000 फॉलोवर्स लेके आया है रील के जरिए। अब मैं उसके अकाउंट शो करने वाला था बट उसने मना किया क्योंकि उसके बाद क्या होगा, उसकी जो अकाउंट है वो कॉपी होने लग जाएगी और उसका अकाउंट ठप हो जाएगा। बट उसने कौन कौन सा तरीका यूज़ किया जिससे 1.5 महीने में 70,000 उसके फॉलोवर्स हो गए और साथ ही साथ उसके जो ऑर्डर है वो भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गई, वो मैं आज की वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। लेकिन सबसे पहले हम एक छोटा सा फनल को समझेंगे। जैसे कि मान के चलते हैं आप एक रील अपलोड किए हो जिसमें 1,000 व्यू आया है, तो 1,000 व्यू में ज़्यादा से ज़्यादा 100 ही ऐसे लोग होंगे जो आपके रील को लाइक करेंगे और लाइक करने के बाद 20 लोग ही ऐसे होंगे जो कि आपको फॉलो करेंगे और 20 में से सिर्फ 5 ऐसे लोग होंगे जो कि आपके ऊपर ट्रस्ट करेंगे और आपको ऑर्डर देंगे। तो हमको रील ऐसे बनाना है जिससे व्यू बहुत ज्यादा है और साथ ही साथ लोग आपके ऊपर ट्रस्ट करें और आपसे प्रोडक्ट बाय करें। तो इसलिए आज की वीडियो में आपको मैं ऐसे 7 क्रिएटिविटी टिप्स बताने वाला हूं जिससे आप अपनी रील्स को वायरल कर सकते हैं और फॉलोवर्स और ऑर्डर दोनों आप इंक्रीज कर सकते हो। अब देखो 7 में से जो 3rd वाला है ना वो मेरा फेवरेट है और जो 7th वाला है वो तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको 7वां टिप बताता हूं। फर्स्ट जो है वो है स्टॉप मोशन वीडियो। अब स्टॉप मोशन वीडियो क्या होता है बाजू में देख सकते हो, बनाते कैसे वो अब मैं आपको एक बार बता देता हूँ। अब देखो स्टॉप मोशन जो वीडियो होती है ना उसमें क्या करोगे, छोटे छोटे क्लिप्स लेना है आपको, छोटा क्लिप्स लेना है, प्रोडक्ट को थोड़ा सा हटा देना है और फिर छोटा क्लिप्स लेना है और ऐसा आपको कंटिन्यू करते रहना है और लास्ट में जो आउटपुट निकल के आएगा कुछ इस तरीके से दिखेगा। और ऐसे आउटपुट वाले वीडियोस बहुत ज़्यादा वायरल होते हैं, लोग ऐसे वीडियोस देखना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो आप अगर ऐसे रील बनाओगे तो डेफिनेटली लोगों को पसंद आएगा, लोग लाइक तो करेंगे, साथ ही साथ लोग आपकी रील को बार बार देखेंगे जिससे आपकी रील जो है वो वायरल हो जाएगी। देन सेकंड है दोस्तों रिवर्स वीडियो। अब लोगों को ना रिवर्स वीडियो देखना भी पसंद है ना, वो थोड़ा सा यूनिक दिखता है, पर्सनली मेरे को तो मजा आता है। अब रिवर्स वीडियो क्या होता है बाजू में देख सकते हो, आपने कोई प्रोडक्ट अनबॉक्स किया है और उसकी पूरी वीडियो बनाओ और बाद में उसको रिवर्स कर दो। तो इस तरह से आप वीडियोस बना सकते हो जो कि मार्केट में काफ़ी ज़्यादा चलता है, बहुत ही यूनिक वीडियोस होता है, बहुत ही कम आपने ऐसा वीडियो इंटरनेट में देखा होगा और जो भी आपने देखा होगा आपको वो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। तो इस तरीके से आप ये वीडियो डाल सकते हो, इससे क्या होगा इंगेजमेंट बढ़ जाएगी, आपकी रील्स की इंगेजमेंट बढ़ेगी, साथ ही साथ आपका जो अकाउंट है वो भी वायरल चला जाएगा। देन 3rd जो कि मेरा फेवरेट है वो है सेटअप वीडियो। दोस्तों सेटअप वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। फॉर एग्जांपल आप जहाँ पे बैठ के काम करते हो, जब आप पैकिंग वगैरह करते हो या फिर आप अगर अपने प्रोडक्ट की फोटोग्राफी करते हो तो कौन से आप सेटअप पे करते हो, ये सब का वीडियो बना के नहीं रील बना के आप अपलोड कर सकते हो। लोगों को ना दूसरे का सेटअप देखने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है, तो उसकी अगर आप वीडियो डालोगे तो उससे 2 चीज़ें होगी, एक तो व्यूज़ ज़्यादा आएंगे, साथ ही साथ लोग आपके ऊपर ट्रस्ट करेंगे, जिसने आपको फॉलो कर रखा है वो आपके ऊपर ट्रस्ट करेंगे या फिर जिस तक आपका रील पहुंचा है उसको भी ट्रस्ट बिल्ड होगा कि नहीं इसका खुद का प्रोडक्ट है। तो सेटअप वीडियो आप कर सकते हो, इससे व्यू प्लस ट्रस्ट दोनों बिल्ड होता है। देन दोस्तों 4th जो कि है कस्टमर फीडबैक। दोस्तों आप जब भी प्रोडक्ट बेचते हो ना तो उनको बोलो कि भाई तू एक काम कर ले यार, एक रील बना के मेरे को सेंड कर दे। इज्जत से बोलना, इस तरीके से नहीं, प्यार से बोलना उनको कि यार एक रील बना के ना मेरे को आप सेंड कर देना। अब देखो कोई भी रील बना के सेंड नहीं करेगा, ठीक है, इवन मैं भी फ्लिपकार्ट से प्रोडक्ट लेने के बाद रिव्यू कभी नहीं डालता, वो तब करेगा जब आप उसको 10% डिस्काउंट दोगे। फॉर एग्जांपल आपने कोई एक प्रोडक्ट लिया, उसका आपका 10 क्वांटिटी बिका, तो 10 में से सिर्फ 1% को बोल लो कि आप एक रील बना के दे दो, आपको मैं नेक्स्ट ऑर्डर में 10% डिस्काउंट दे दूंगा। तो 10% मार्केटिंग के लिए आप खर्च कर सकते हो, बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है बट जो रिटर्न है वो काफ़ी अच्छी होगी। लोग जब अनबॉक्सिंग करेंगे और रील बना के फीडबैक्स देंगे, उसको अपने अकाउंट में डालोगे तो लोग आपके ऊपर ट्रस्ट करेंगे, तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट हो सकता है। इससे आपकी जो रील है वो भी अच्छी चलेगी, साथ ही साथ लोग आपके ऊपर ट्रस्ट करेंगे जो कि प्लस पॉइंट हुआ। तो ये चीज़ें करोगे तो डेफिनेटली आपके बिजनेस में काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। देन 6 है दोस्तों मोस्ट सेलिंग प्रोडक्ट। अब ये क्या होता है, कोई भी प्रोडक्ट जो सबसे ज़्यादा बिक रहा है ना उसके आप रील बना के वहाँ पे लिख दो मोस्ट सेलिंग प्रोडक्ट, तो उससे क्या होगा जब वो रील किसी को दिखेगा और ऊपर लिखा रहेगा मोस्ट सेलिंग प्रोडक्ट तो उसमें अटेंशन रेट बढ़ जाता है, लोग और ध्यान से देखते हैं कि यार कौन सा रील है ये, मतलब कौन सा प्रोडक्ट है ये कि इसकी सेलिंग बहुत ज़्यादा है। इसमें बहुत सारी चीज़ ऐड कर सकते हो, जैसे वीकली मोस्ट सेलिंग प्रोडक्ट हो गया, फिर मंथली, आप इस तरीके से आप चूज़ कर सकते हो कि कौन सा प्रोडक्ट आपका ज़्यादा बिक रहा है, ठीक है। तो इससे क्या होगा अटेंशन भी बढ़ेगा और लोग ट्रस्ट भी करेंगे कि नहीं यार इसके प्रोडक्ट अच्छा बिकता है और अपना अटेंशन भी आपको देंगे, जिससे आपका ग्रोथ डेफिनेटली होगा। देन है 6 जो कि है अनबॉक्सिंग वीडियो। देखो यार इंटरनेट में से बहुत बड़े बड़े क्रिएटर हैं जो सिर्फ अनबॉक्सिंग करके इतने पॉपुलर हो चुके हैं,
इसका मतलब ये होता है कि लोगों को अनबॉक्सिंग वीडियोस देखना पसंद आता है। तो आप क्या करो अपने प्रोडक्ट की आप डिस्पैच करो, करके उसकी अनबॉक्सिंग वीडियो बनाओ और अपने प्रोडक्ट को अच्छे से दिखाओ कि हमारा प्रोडक्ट है, किस टाइप का प्रोडक्ट आपको मिलेगा, कैसा पैकिंग होता है आपका, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों का आप अनबॉक्सिंग वीडियो बना के अपने व्यूअर के साथ शेयर कर सकते हो, क्योंकि लोगों को देखो अनबॉक्सिंग वीडियो देखना पसंद है और इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म को भी अनबॉक्सिंग वीडियो दिखाना पसंद है। तो इसका फ़ायदा आप उठाओ, अनबॉक्सिंग वीडियो बनाओ, अपने प्रोडक्ट खुद डिस्पैच करो और उसको ओपन करके अपने व्यूअर के साथ दिखाओ। एक वीडियो में बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो, एक ही वीडियो को आप रिवर्स करके भी दिखा दिए, इससे डेफिनेटली लोग आपके ऊपर ट्रस्ट करेंगे और डेफिनेटली आपकी रील वायरल जाएगी। देन है 7, जो कि मेरा फेवरेट है, वो है दोस्तों अपने व्यूवर्स को आप बताओ कि उस प्रोडक्ट का यूज क्या है। जैसे कि आप बाजू में लैम्प को देख सकते हो, इस प्रोडक्ट में लिख सकते हैं कि बेस्ट गिफ्ट फॉर योर गर्लफ्रेंड, ठीक है, इस टाइप से हम टैग डाल देंगे। उससे क्या होगा, जो इस वीडियो को देखेगा उसको एक रीजन मिल जाएगा बाय करने का। तो हमको यहाँ पे रीजन देना है, ठीक है। कोई अगर हम बर्थडे का प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो उसमें आप लिखो ऊपर रील्स में कि बेस्ट प्रोडक्ट फॉर बर्थडे गिफ्ट या फिर न्यू मैरिज कपल्स, ठीक है, जो भी आपका प्रोडक्ट है उसके ऊपर उसको रीजन दो, क्योंकि जब तक रीजन नहीं दोगे तो वो बिकेगा नहीं, ठीक है। हर बड़ी कंपनी हर प्रोडक्ट के साथ एक रीजन के देता है, जैसे हम कैडबरी का ऐड देखते हैं तो उसमें बता देता है कि रक्षाबंधन के लिए ये वाला प्रोडक्ट ले लो, इस राखी कुछ अच्छा हो जाए, कुछ मीठा हो जाए, कैडबरी सेलिब्रेशंस। तो इस टाइप से आपको हर प्रोडक्ट के पीछे एक रीजन देना है। तो ये 7 चीज अगर आप करोगे तो डेफिनेटली आपकी जो रील है वो वायरल जाएगी, आपके फॉलोवर्स इंक्रीज होंगे और ऑर्डर भी बहुत ज्यादा होंगे। साथ ही साथ आपने अगर अभी तक इंस्टाग्राम में अकाउंट नहीं खोला है, मतलब शॉपिंग पेज नहीं बनाया है, तो उसके लिए बाजू वाले वीडियो देख सकते हो। इस वीडियो से आप सीख सकते हो कैसे आप इंस्टाग्राम में परफेक्ट पेज खोल सकते हैं और खोलने के बाद आपको किस तरीके से पोस्टिंग करनी है, जिससे इंस्टाग्राम को पता चल जाएगा कि आपका जो पेज है वो शॉपिंग पेज है। और इस तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलेंगे हम नई वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना, बाय, टेक केयर।